नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के बारे में। दरअसल इस विषय पर फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन की तरफ से भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो डासो एविएशन की तरफ से भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि वे उनको डासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड यानी द्राल का जो जॉइंट वेंचर है, जिसके तहत नागपुर में राफेल एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का प्लान है, उसके 100% स्टेक को डासो एविएशन एक्वायर करने की अनुमति प्रदान करे। डासो की तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत सरकार उन्हें ये अनुमति प्रदान करती है तो अभी या अगले साल अगर भारतीय वायुसेना के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन पर राफेल को लेकर डील साइन होती है तो वे उस ऑर्डर को अगले 5 साल के अंदर पूरा कर सकेंगे। उन्होंने द्राल की नागपुर फैसिलिटी से हर महीने 2 राफेल विमानों के प्रोडक्शन की बात कही है, लेकिन ये तभी संभव है जब वे द्राल के पूरे 100% स्टेक को अपने हाथों में लेंगे और पूरा दायित्व उनके हाथों में होगा। अब इस प्रपोजल पर रक्षा विशेषज्ञों में विरोधाभास दिखाई पड़ रही है। वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी इसके विरोध में नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। जो इस प्रपोजल का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क ये है कि डासो को अगर पूरी 100% स्टेक दे दी जाती है तो इसका क्या गारंटी है कि वे इस फैसिलिटी में पहले भारतीय वायुसेना के ऑर्डर को ही महत्व देंगे, क्योंकि वे तब पूरी तरीके से आजाद होंगे अपने हिसाब से प्रोडक्शन रन करने को, जिनके तहत वे अपने ग्लोबल ऑर्डर को भी भारतीय वायुसेना के ऑर्डर के पहले रन कर सकेंगे, भारत उसमें बाधा नहीं डाल सकेगा। और ये भारतीय सरकारी नियमों के विरुद्ध भी है। और जो इस प्रपोजल के समर्थन कर रहे हैं, उनका तर्क ये है कि द्राल में जो स्टेक अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज ने ले रखी थी, अब वे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि अनिल अंबानी देवालिया हो चुके हैं और इसीलिए अगर डसॉल्ट पूरा स्टेक अपने हाथों में लेती है तो चीजें थोड़ा जल्दी आगे बढ़ सकती है और इससे भारतीय वायुसेना को लाभ होगा। अब हमारी माने तो इन दोनों ही तर्कों में दम है। अगर हमारे सरकारी नियमों में इसे लेकर कोई प्रबंधन है और अगर इस तरह के 100% जॉइंट वेंचर स्टेक को विदेशी कंपनी द्वारा अक्वायर करने को नियम के विरुद्ध कहा गया है तो इसे सरकार अनुमति नहीं दे सकती। हालांकि सरकार चाहे तो नियमों में फेरबदल करके ये कर सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये सरकारी कानून के हिसाब से हो तो। लेकिन फिलहाल ये प्रपोजल सरकार के समक्ष पड़ी है और हमें नहीं लगता कि सरकार इसे मंजूरी देगी, क्योंकि इससे विवाद खड़ा होने के संभावनाएं हैं, जिससे वायुसेना पूरे डील पर असर पड़ेंगे। देखिए, हमें एक चीज यहाँ पर समझनी होगी कि डसॉल्ट की तरफ से बार बार इसी बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि वे द्राल के पूरे 100% स्टेक को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के MRFA एक्विजिशन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, इसके पीछे डसॉल्ट एविएशन का अपना स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त डसॉल्ट एविएशन के हाथों राफेल विमानों के 200 से ज्यादा ग्लोबल ऑर्डर है। अब उनका प्रोडक्शन रेट सिर्फ 13 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने का है, जो इस वक्त बिल्कुल भी काफी नहीं है। डसॉल्ट की तरफ से फ्रांस में उनके राफेल प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी कोशिश की गई, मगर वे नाकाम हुए और इसी बात पर डसॉल्ट एविएशन और फ्रेंच सरकार थोड़ा चिंता में है। अभी जो देश राफेल को ऑर्डर किए हैं, उन सभी ने 3 से 4 साल के भीतर अपने डिलीवरी को शुरू करने की मांग फ्रांस से की है, मगर फ्रांस इस वक्त ऐसा करने में नाकाम है। और यहाँ पर ही भारत के नागपुर में स्थित डासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड यानी द्राल का फैसिलिटी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस फैसिलिटी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इस फैसिलिटी को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है कि भविष्य में यहाँ से भी फ्रांस 12 से 13 राफेल विमानों को मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो इनके फ्रांस के 13 विमानों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ अगर मिलाकर देखे तो कुल राफेल प्रोडक्शन रेट को 25 से 26 विमान तक लेके जाती है, जो डसॉल्ट के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। और इसीलिए फ्रांस की तरफ से भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे द्राल की पूरी 100% स्टेक को अपने हाथों में ले सके और ऑर्डर बुक के कुछ एयरक्राफ्ट यहां भारत में मैन्युफैक्चर कर सके। इसके साथ ही वे भारतीय वायुसेना के 114 विमानों के MRFA एक्विजिशन पर भी एक ही साथ अपना हाथ मारने का प्लान भी बना चुके हैं। अब अगर भारत सरकार इस पर राजी हो भी जाती है तो हमें पहले उनसे ये गारंटी लेनी है कि वे पहले हमारे ऑर्डर को पूर्ण करेंगे,
उसके बाद वे द्राल के फैसिलिटी को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो इस प्रपोजल का हमारे लिए कोई मायने नहीं है, और हमारे लिए हमारे खुद की जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो यहाँ साफ है कि हमें और राफेल विमानों की जरूरत अवश्य है, लेकिन इस वक्त फ्रांस राफेल विमानों के एक विशाल ग्लोबल ऑर्डर बुक को पहले से ही लेकर बैठा है, जिसे पूरी करने में उन्हें लगभग 6 से 7 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमें अपना राफेल मिलेगी। अगर आज हम ऑर्डर देंगे तो जिस वक्त हमारे वायुसेना में हमारे खुद के बनाए हुए स्वदेशी तेजस मार्क टू और 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान एम का भी वायुसेना में जुड़ने होगा। अब कुछ पूर्व वायुसेना अधिकारियों का ये भी कहना है कि सबसे अच्छा होगा अगर भारतीय वायुसेना और सरकार 114 विमानों के MRFA एक्विजिशन को स्क्रैप करके सीधा 2 स्क्वाड्रन और राफेल विमानों को खरीदे, जिसे द्राल के नागपुर फैसिलिटी में बनाया जाए, और बाकी बचे संख्या को हम तेजस मार्क 2 से पूर्ण करें, जो कि 2029 में वायुसेना में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूर्व वायुसेना अधिकारियों के ये प्रपोजल हमारी नज़रों में ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जब तक हम 114 राफेल को वायुसेना में इंडक्ट करेंगे, तब हमारा तेजस मार्क 2 का भी वायुसेना में इंडक्शन का समय आ जाएगा, तो खामखा हम उतना दिन इंतजार क्यों करें? अब यहाँ पर राफेल पर एक और बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वे ये है कि राफेल की इंजन को लेकर फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान और भारत के GTRA यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल का करार है वो हो चुकी है, जिसके तहत अब भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे राफेल विमानों और आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना में सेवा देने जा रहे 26 राफेल मरीन विमानों के इंजन के मेंटेनेंस के लिए एक फैसिलिटी को भारत में तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन विमानों के इंजन को मेंटेन किया जाएगा। साथ ही राफेल विमान के M88 इंजन के कुछ पार्ट्स को भी लोकली भारत में बनाया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना और नौसेना के राफेल विमानों को स्पेयर पार्ट्स के लिए फ्रांस की तरफ न देखना पड़े। अब ये बात तो साफ है कि राफेल एयरक्राफ्ट पर हम ऑलरेडी एक मोटा रकम इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसके लिए इंजन MRO फैसिलिटी से लेकर लोकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत में सेटअप कर लिया गया है। इसके बाद अगर हम राफेल के रिपीट ऑर्डर या फिर 114 MRFA एक्विजिशन तहत ऑर्डर से पीछे हट गए, तो इन सब फैसिलिटीज में जो इन्वेस्टमेंट किए गए उनके ठीक इस्तेमाल नहीं होंगे और ये एक फिजूल खर्च होकर रह जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम जल्द से जल्द डिसॉल्ट के साथ बातचीत करके द्राल फैसिलिटी पर दोनों पक्षों का दृष्टिकोण साफ करें और एक आम सहमति से राफेल विमानों का एक बड़ा रिपीट ऑर्डर प्लेस करें, जिसे भारत में बनाई जा सके। हालांकि MRFA एक्विजिशन पर अभी भी वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी नहीं किए गए। कुछ खास सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने बाद ही इस विषय पर कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।